जी की फतेह। एक बेनती मैं पहलो कर दिया, कीर्तन दे विच कीर्तन करने वाले 6 जने होंदे ने, 3 उन्हां दे साज ते 3 उह खुद आप। कथा विच केवल 1 है, कोई साज भी नहीं ते कोई साथी भी नहीं। जे उहदे विच एकाग्रता ना होवे, कीर्तन विच किते रौला भी पैंदा होवे उह दब जांदा है। कथा बहुत शांत माहौल दा विशा है, इहदे विच थोड़ा जिहा भी ध्यान लम्मे छम्मे चला गया ते ना बोलण वाले नूं आनंद आउंदा ना सुणन वाले नूं आनंद आउंदा। तां करके मैं चाहवांगा भी तुसीं एकाग्रता नाल गुरु चरणा विच जुड़ के इस समय नूं गुरु लेखे लाउण दी कोशिश करियो। प्रबंधकी वीरां नूं बेनती है भी जिहड़े स्पीकर वाले बाहर लगे ने, जे अपने वल्लों ही ने फिर कोशिश करियो जी उहनां नूं थोड़े समय लई चुप करवा दिओ, क्योंकि उह ते कम इशारे नाल भी चल जाणा। पर अज आपां गुरु कलगीधर दी पवित्र गोद तो सखणे ना रह जाइए, उहदे चरणां विच जुड़ जाइए। इसलिए करो कृपा, एक बारी मैं फतेह फिर अर्ज करन लग्या, प्रवान करो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपां इतिहास दे पन्नियां नूं फोल्दे आं, पिछलेरे समुचे दीवाना विचों इत्थे कु तक पहुंचे सां। गुरु कलगीधर पातशाह ने खालसा साजिया, एक कौम नूं अणखी ते जोधियां दी कौम बना दिता। इहदा सिलेबस भावें गुरु नानक साहिब जी तों शुरू हो गया सी, पर इहनूं पूर्ण परपक्ता ते लास्ट टच ओ गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ने बख्शिश कर दिता। खालसा शब्द दा अर्थ हुंदा जिहड़ा किसे दी मुथाजगी नहीं, किसे दी भी अधीनगी नहीं, सिर्फ एक अकाल पुरख दा पुजारी हुंदा है, एक रब दा पुजारी है, परमेश्वर दा पुजारी है, उस तो बिना किसे दी कोई परवाह नहीं। उस तो बाद जिहड़ा रस्ता वह बड़ा बिखड़ा पिंड है। आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते 1699 नूं अमृत संचार होया, 1704 तक का समा वह उत्थों तैयारी करदियां लंघिया, कुछ जंग भी लड़े गए और उहदे विचों मनुखता दे भरे दियां भी तस्वीरां कई उगड़ के साडे सामने आउंदियां ने। भाई कन्हैया जी वर्गियां दी घाड़त संसार दे अंदर एक अदुत्ती घाड़त आनंदपुर साहिब दी है भई, इत्थों किहो जिहे सिख पैदा हुंदे ने। इस अस्थान तों भाई कन्हैया जी वर्गे सिंह पैदा हुंदे ने जिन्हां दे अंदर पंथ दा, संसार दा, समुची मानवता दा दर्द है। मता किते कुछ सोचे मन विच सिख कृपान पा के कोई अपने वल्लों किसे किस्म दा कोई ये ऐशो इशरत दा काम है, नहीं, कृपान दा अर्थ ही है कृपा प्लस आन, ये कृपा करदी है, ये रहमत करदी है। समां बतीत होया, जिन्हों लोग सोचते सन भी इस घर का दरवाजा बंद कर देना है, उन्हें विचों एडी अणख ते जुरत ते शेरां दी कौम पैदा होगी। हाकमां नूं ये गल चंगी नहीं सी लगती, उन्हां नूं ये गल परवान नहीं सी हुंदी।
मैं फिर दोबारी बेनती करा पिछे दास ने पीटीसी तो भी एक बेनती की सी ये बड़ी एक अजीब कहानी है। फतेहगढ़ साहब इन्ने लंगर लगते ने पिछे जे एक सर्वे किया गया मैं अपने विषय तो थोड़ा जि लामे होने लगा है ये गल पर मैं ता करके अर्ज की भी उधरों की आवाज साली फिर प्रशादियां दी आ रही है। हाथ जोड़ के बेनती करा भी कितने समा एवें ना निकल जाए मेरा ये तुसी ध्यान एकाग्रता बना के रखे हो। गुरु कलगीधर पातशाह ने 1704 तक हर पक्ष तो सिख कौम नूं मुकम्मल कर दिता। उहदे विच बड़ी तरह के अभ्यास ने कदे वक्त मिलिया फिर तुहाडे नाल सांझ पावांगा। वह पंजां कु सालां दा वक्त है जिहड़ा वह बड़ा अजीब कहानी का वक्त है। आखिरकार जानवर की अख में चुभन लग पे। असी सोचते दरवेश का घर है बाई धार दे राजे हैरान ने भी किसी को भी नमस्कार नहीं करते एक अकाल पुरख मानते ने इतिहादिक गल्लां ने उन्होंने मनों में ईरखा का चिराग जगा दिता। इस गल तो उन्होंने लेके वक्त कई लड़ाइया लड़िया सन ते उन्हे विचो जदों हार हुंदी गई जंग तीन तरह दे होया करदे ने याद रखे जे। नंबर एक विचार दा जंग, नंबर दो हथियार दा जंग, नंबर तीन आहार दा जंग। आहार कहिंदे ने भोजन नूं। जदों ओ विचार दा जंग भी हार गए, जदों हथियार दा जंग भी हार गए ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਦੀਪ ਚੰਦ, ਦੀਪ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ। अजमेर चंद ने एक मन विच विचार बनाई, असी किन्ने उपराधे कर बैठे हुए हैं पर सानू हर वारी हार हुंदी है, साडे किन्ने लोग मौत दे घाट उतारे जांदे ने, इस वारी आपां वखरा काम करिए। लोहगढ़ किले दे उत्ते जिथे गुरु दे हथियार भी पए ने, फैक्ट्री लगी हुई है ते प्रमुख सिख भी उत्थे ने, किन्ना चंगा होवे असी अपने बंदे मरवाउण दी बजाए एक काम नवा करिए। एक उन्होंने हाथी लभिया, हाथी नूं चंगा ट्रेन किया होया सी, ते हाथी दे नाल उन्होंने हाथी दी सुंड दे अगे तलवार बन्नी, ते हाथी नूं रज के शराब पिलाई भई लोकां नूं दलण दियां इहनूं कोई अंदर भावना पैदा ना होवे। उहनूं शराब पिला के हाथी दी सुंड अगे उहदे तलवार बन के ते उहदे मत्थे उत्ते सत तवियां बन के लोहे दियां फलादी तबियां बन के ते ए भावना जागी। महाबत इशारा करेगा बार बार ए तबियां दे नाल ओ लोहगढ़ किले दा दरवाजा जेड़ा सब तो वड्डा पक्का है ओनू टकरा मार मार के ए दरवाजा तोड़ देवेगा। पर इस हाथी नूं ए किन्ना कु जख्मी कर लेणगे, हाथी दरवाजा तोड़ देवेगा ते मुड़ के साडियां फौजां जिहड़ियां ने ओ अंदर जाके लोहगढ़ किले दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह दा शीश भी ले लेणगियां ते बाकी फौजां नूं भाजण पा के असी बाई धार दे राजे कट्ठे। साडे कोल किन्ना वड्डा साधन ते इक दरवेश दा घर, इत्थे थोड़े थोड़े लोकां ने इलाके दे कट्ठे कीते होए ने, ते किन्ना चंगा होवे असी इस हाथी दे नाल अपनी कामयाबी हासिल करिए। ते उस वेले हाथी आया, विचली गल मैं सारी छड्डन लगा, जदों हाथी आया ते उस वेले गुरु कलगीधर पातशाह ने अंदरों थापड़ा दे के आ सिखी अंदरों थापड़ा दे के भाई बचित्र सिंह नूं भेजिया। ये भाई मनी सिंह दा पुत्र है, याद रखो जी भाई मनी सिंह दा पुत्र है। भाई बचित्र सिंह नूं थापड़ा दे के गुरु कलगीधर ने भेजिया, कहन लगे जा बचित्र सिंह अज नागनी लै
इस हाथी का मुकाबला कर। गुरु चरणा विच भरोसा रख के घोड़े ते सवार होया। ज्यों मजे उड़ीक विच है भई आउणगे अगे थोड़ा जा नेड़े आ जाण। इधरले पासे भाई उदय सिंह, यह भी भाई मनी सिंह का छोटा पुत्र है, इन्हें भी आग्या लई। कहन लगे दातिया एक कृपा जो होर कर, जे बचित्र सिंह ते मेहर भरिया हाथ रखन लगे ते मेरे सिर ते भी मेहर भरिया हाथ रख। ए भीम चंद दा साला, अजमेर चंद दा मामा, ए जड़ा केसरी चंद है ए बड़ा हंकारी है। हर बारी कोई गल कहिंदा भई जे गुरु गोबिंद सिंह दा शीश मिलिया पहला मैं अपने पैरां विच रखांगा, फिर ओनू औरंगजेब दे पैरां विच रखांगा। मैनू माफ करियो शब्द बोलने पैणे ने क्योंकि इतिहास दा अंग ने। केसरी चंद ए गल करदा सी वी पहला गुरु गोबिंद सिंह दा शीश मैं अपने पैरां विच रखांगा, मुड़ के औरंगजेब दे पैरां विच रखांगा। ते अज ओह भी चढ़के आ रहे आ, तुसी मैनू आग्या दिओ। दोवें सके भरा गुरु कलगी धर दी बणतर वेख्यो जे, दोवें सके भरा जदो फौजा नेड़े आईया गुरु दिया रहमता लेके दरवाजा खोलिया, दरवाजा टुटन नहीं दिता, दरवाजा खोलिया। ज्यों दरवाजा खोलिया बचित्र सिंह ने गुरु नू याद करके हल्के जे कद दा, बचित्र सिंह ने गुरु नू याद करके घोड़े दिया रकाबां दे विच अपने पैर मजबूत करके नागनी एहो जिही मारी, ओ हाथी दे सत तवियां पाड़ के लंघ गई अगे ते हाथी दे सिर विच गड़ गई। जेड़ा हाथी किले दा दरवाजा तोड़न आया सी ओली सुंड अगे तलवार बली होई सी, ओ उस अजमेर चंद दियां पहाड़ी राजियां दियां ही उन्हां जेड़े आए हुए फौजां नू लताड़दियां होया ते उन्हां नू ही मारदियां होया। आखर ओ हाथी वापस भज गया। जदों वापस भजया ते उसे वेले वक्त नू संभालिया भाई उदय सिंह ने अगे घोड़ा कीता ते ओ जेड़ा केसरी चंद सी पापी ओदा सिर वढ के ते नेजे उत्ते टंग के गुरु कलगीधर दे चरणां विच रख दिता। सतगुरु ए पापी तेरे शीश नू अपने पैरां विच रखण दी गल करदा सी। भाई बचित्र सिंह वल वेख के सारे सिंह हैरान होए ते भाई बचित्र सिंह होरां नू पुछण लगे भाई साहब सानू ते पता ही सी भी एडे छोटे जे शरीर विच एडा बल हो सकदा, जिनू देख के दुनी चंद वर्गे भज गए। ते भाई बचित्र सिंह तेरे कोल एडी केड़ी ताकत सी? भाई बचित्र सिंह दियां अखां विच पानी आ गया। तुसी बचित्र सिंह नू वेखी जांदे हो, तुसी नागणी नू वेखी जांदे हो, तुसी घोड़े नू वेखी जांदे हो, जिहड़ी असल करामात उहनू वेखदे ही नहीं। कहन लगे ओह केड़ी है? कहन लगे कदे बरछियां नहीं जितदियां, याद रखियो कदे घोड़े नहीं जितदे, कदे बचित्र सिंह वर्गे नहीं जितदे, जितदा ते गुरु दा थापड़ा जितदे। मेरे कोल गुरु दा थापड़ा सी जिन्हें मैनू हारन नहीं दिता। सिर्फ इतनी कु अर्ज कर रहा सा एहो जे जोधे पैदा हो गए ते उन्हें जंग किवें जितना सी ना जित सके। एक फैसला कर लिया भई किन्ना चंगा होवे जे आपा चारे पासे तो घेरा पा लईए। आनंदपुर साहिब दी धरती नूं 22 धार दीआं फौजां ने अते नाल वजीर खां दीआं फौजां ने अते नाल याद रखो जे दिल्ली तो जबरदस्त खां दीआं फौजां ने सारिआं ने इकट्ठे हो के उस आनंदपुर साहिब दी धरती नूं घेरा पा लिया। घेरा पा के 7 महीने घेरा पिया रहा है। मैं एक पल फिर रुकन लगा है। मैं भी यह शब्द कह के लंघ जाना बड़ा सौखा जिहा ते तुसी भी सुन के चले जाना है। 7 महीने घेरा पिया पर कदे एहसास करके देखियो। साडा बच्चा बीमार हो जाए ना डॉक्टर एक दिन रोटी बंद कर दे, दो डंग रोटी बंद कर दे ते मां नूं कले वेखना ओ 10 वारी अपने बच्चे दा जाके मुंह चुमदी है। पुत मैं रोटी खा ली पर तेनू मैं नहीं दे सकदी क्योंकि डॉक्टर दी हदायत है। ओ दो वक्त अपने बच्चे नूं भुखा नहीं वेख सकदी, सिर्फ दो वक्त। हालांकि ओ बच्चे दी बेहतरी वास्ते ही है, बच्चे दे भले वास्ते ही है, पर मां नहीं वेख सकदी भी मैं रोटी ना लवां। गुरु कलगीधर पातशाह मैं तेनू पुछना है, तेरा अजीत सिंह ते वड्डा सी
ਜਿਡਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹ 9 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਹ 7 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਪਾਲਣ ਪਰੋਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਪਰ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੰਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਭਾਖੜੇ ਚੁਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਫਰੂਟ ਉੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 2-4 ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਗਵਾਨੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਖ ਸਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਜਾਗ ਪਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਧੂ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੇਰਾ ਖੋਲ ਲਓ ਪਰ ਬਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗਿਆ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੰਦਰ ਭਈ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਟਕਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾਂ
बार प्रशादियां वाले अंदर रौला है ते अंदर असि गल कर रहे सत महीने भुखियां दी अंदर गल कर रहे सत महीने भुखियां दी ते बाहर उन्हां दा रौला है जिहड़े एक दिन प्रशादा नहीं छड्ड सकदे किड्डी वड्डी गल सी अज जे प्रशादा छकना सहज ना छक लैंदे असी गल्लां ते बड़ियां कर रहे श्रोमणी कमेटी आ करदी है दिल्ली कमेटी आ करदी है फलाना लीडर आ करदा फलाना लीडर आ करदा अपने बल झात मार के देखो तुसी की करदे हो अपने बल झात मार के देखो आपां की कर रहे हैं एक वक्त का प्रशादा नहीं छड्ड सके भाई गुरु घर का दीवान ही हो जाए मुड़ के छक लियो बजेरा बनिया होएगा प्रबंधक कोई कमी नहीं रखी होएगी खैर मैं समय नूं बचावां।